Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome. The question is, what are his or her current feelings for me? What are his current feelings for me? What are her current feelings for me? वो मेरे बारे में इस वक्त क्या feel करते हैं? What are they feel for me right now? What are they feel for me right now? It will be a pick a card reading. मैं इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू एंड कार्ड नंबर थ्री. आप एक कार्ड को चूज कर लीजिए एंड हम देखेंगे कि व्हाट एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू. सो दिस इज कार्ड नंबर वन, दिस इज अ पिंक कार्ड. This is card number 2, which is a green, light green card, and this is card number 3, which is a light orange card. आपको कलर थोड़ा डिफरेंट नजर आ सकता है. पिंक कार्ड, ग्रीन कार्ड या ऑरेंज कार्ड में से किसी एक कार्ड को चुन लीजिए. व्हाट आर हिज करंट फीलिंग्स फॉर मी? तो हम पिंक कार्ड से शुरू करेंगे. पावर, इन्हें बाद में देखेंगे. पावर, व्हाट आर हिज करंट फीलिंग्स फॉर मी? तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है? ये व्यक्ति आपको एक पावरफुल पोजीशन में देखता है. ये व्यक्ति इस बात को समझता है या इसको फील हो रहा है, ये आपकी पावर को फील करता है. यू आर अ पावरफुल पर्सन, यू आर ऑन ए पावरफुल पोजिशन, यू आर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मे बी स्पिरिचुअली, कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति से ज्यादा पावरफुल हैं. और इस बात को ये व्यक्ति फील करता है, आपकी पावर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. आप यदि स्पिरिचुअली पावरफुल हो, आप यदि फाइनेंशियली पावरफुल हो, आप यदि इकोनॉमिकली पावरफुल हो, या आप मेंटली ज्यादा पावरफुल हो, आपकी पावर को ये व्यक्ति फील करता है. व्हाट ही इज फीलिंग, ही इज फीलिंग योर पावर. ही इज फीलिंग दैट नाउ यू आर इन पावर. मे बी आप पिछले समय में पावरलेस रहे हो, इस व्यक्ति ने आपको पावरलेस कंडीशंस में भी देखा हो, लेकिन अब शायद ये व्यक्ति इस बात को समझने की और इस बात को जान रहा है, इस बात को फील कर रहा है कि आप अपनी प्रीवियस पावरलेसनेस में से निकल रहे हैं, आप अपनी पावर में टैप कर रहे हैं. और ये व्यक्ति ये भी देख रहा है कि किस तरीके से आपके पावर की वजह से आपकी जिंदगी में बदलाव आए हैं. आपने अपने पावर की वजह से अपने आप में बदलाव किए हैं, आपने, बल्कि आपने खूबसूरत बदलाव किए हैं, स्टेबल बदलाव किए हैं. आप इमोशनली ज्यादा बैलेंस हुए हो, आप स्पिरिचुअली ज्यादा बैलेंस हुए हो, आप स्पिरिचुअली ज्यादा पावरफुल हुए हो, और आप फाइनेंशियली भी ज्यादा बैलेंस और पावरफुल हुए हो. ये व्यक्ति इस बात को इस समय फील कर रहा है. वेरी नाइस एनर्जीज. अभी मैं और कुछ देखना चाहूंगी, ये व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहा है. व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू. ओके, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट आपने अपने आप को अपने डेवलपमेंट के पाथ पर डाल दिया है. ये व्यक्ति फील कर रहा है कि आप अपने सोल डेवलपमेंट के पाथ पर जा रहे हैं. ये व्यक्ति फील कर रहा है कि आपने अपनी जर्नी पर, आप अपनी लाइफ जर्नी पर अपने डेवलपमेंट की ओर परफेक्टली आगे बढ़ रहे हो. आप ग्रोथ कर रहे हो, आप फ्लोरिश हो रहे हो, ब्लूम कर रहे हो. आपने जिंदगी में जो लेसन्स आपके सामने आए थे वो आपने सीख लिए हैं. आप मोमेंट टू मोमेंट जीना सीख रहे हो. आपने इमोशनल और मेंटल बैलेंस बनाने के बीच में मेंटल और इमोशनल बैलेंस बनाना सीख लिया है. आप अपनी मेंटल और अपनी इमोशनल दोनों साइड पर बराबर बैलेंस के साथ खड़े हुए हो. ये इस व्यक्ति की इस वक्त आपके बारे में फीलिंग्स है. और ये व्यक्ति ये फील करता है कि आप चेंज को बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर लेते हो. ये फील कर रहा है कि आप बदल गए हो, आप अपने भले के लिए बदल गए हो, आप बैलेंस में आने की वजह से बदल गए हो. ये व्यक्ति फील कर रहा है कि
ये व्यक्ति ये फील कर रहा है कि आप अपने स्कैर्सिटी माइंड से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, लैक मेंटेलिटी से, स्कैर्सिटी से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, आप अपनी अबंडेंस में टैप कर रहे हो, आपने अपनी जिंदगी में आने वाले ब्लॉकेजेस पर काबू पाया है, आपने अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस पर काबू पाया है और आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हो और आप अकेले अकेले ही कॉन्फिडेंस के साथ इस जर्नी पर आगे निकल गए हो, अपनी लाइफ जर्नी पर आप आगे निकल गए हो। शायद ये व्यक्ति ये फील कर रहा है कि वो स्वयं काफी पीछे छूट गया है और आप इस जर्नी पर आगे निकल गए हो, ये इस व्यक्ति को फील हो रहा है इस वक्त। दूसरा, ये व्यक्ति फील कर रहा है कि आप काफी इमेजिनेटिव हो, आप काफी क्रिएटिव हो, आप नए आइडियाज पर काम कर रहे हो, आपने अपने ड्रीम्स को चेस करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करना शुरू कर दिया है, आप कॉन्फिडेंस के साथ में स्टैंड करते हो, खड़े हो, आप न सिर्फ आप खुद को आपने खुद को कैरी किया है बल्कि आप दूसरे लोगों को रोशनी देने की, दूसरे लोगों को मार्गदर्शन देने का काम भी आप कर रहे हो और इस तरीके से आप यू आर अ गाइडिंग लाइट फॉर अदर्स, आप दूसरे लोगों को गाइडेंस मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हो, ये इस व्यक्ति को इस वक्त फील हो रहा है। लेट्स चेक मोर व्हाट दिस पर्सन इज करंटली फीलिंग फॉर यू, maturity, courage, surrender to the flow, yes, ये व्यक्ति फील कर रहा है कि आप मैच्योर हुए हो, आप पहले से अधिक समझदार हुए हो, आप शांत हुए हो, आप काम हुए हो, आप अब चीजों के ऊपर उतनी बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं करते हो जैसे आप पहले रिएक्ट किया करते थे, आपने अपना बोलने का तरीका, आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल लिया है, आप साहस के साथ में जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और आपने सरेंडर कर दिया है, आपने ईश्वर को सरेंडर किया है, आपने अपने लाइफ पाथ पर, आपने अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ते हुए सरेंडर को आप सीख रहे हो, आप इजीली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, मैच्योरिटी की वजह से, साहस की वजह से आप अपनी जिंदगी की अड़चनों से पार पा चुके हो और आप इजीली आगे बढ़ते जा रहे हो, ये व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में ये फील कर रहा है। और देखते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में क्या फील कर रहा है। What this person is feeling for you? What this person is feeling for you? This person is feeling a very deep soul connection with you right now. अभी ये व्यक्ति आपके साथ एक deep soul connection को feel करता है। ये व्यक्ति सोचता है कि आपका इसकी ज़िंदगी में होना उसके लिए काफी important है। आपका उसकी ज़िंदगी में होना काफी उसकी जिंदगी में काफी स्टेबिलिटी लाता था। आपका आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आपके होने से उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी होती है, आपके होने से उनकी जिंदगी में फ्लोलेस मूवमेंट चलता है। आप वो ये सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो और वो ये भी सोचते हैं कि आप उनके लिए फाइनेंशियली लकी भी हो। वो ये सोचते हैं कि आपके साथ होना उनके लिए सक्सेस लाता है, आपके साथ होना उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है, आपका उनके साथ होना उनके लिए स्टेबिलिटी लाता है लाइफ में। वो अब ये भी सोच रहे हैं कि यदि प्रीवियसली उन्होंने आपके ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके ऊपर पहले एक्सप्रेस नहीं की थी, तो अब वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस लाना चाहते हैं, अब वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में आपको कुछ देने और आपसे कुछ पाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको आपके साथ एक रीकनेक्शन के बारे में, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, आपको कमिटमेंट देने के बारे में, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। और देखते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। What this person is feeling about you? What this person is feeling about you?
दिस पर्सन इज फीलिंग. वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, वो आपके बारे में काफी ओवरवेलम्ड सोच कर, काफी ओवरवेलम्ड अपनी समय का बहुत सारा हिस्सा वो आपके बारे में सोचते हुए निकालते हैं, क्योंकि ही दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन. ये व्यक्ति शायद आप इनके साथ सेपरेशन में है, शायद आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और शायद इनको अपनी गलती का एहसास है कि इन्होंने पहले इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश नहीं की, पहले इन्होंने इस रिलेशनशिप में इमैच्योर बिहेवियर किया, और पहले इन्होंने आपके साथ आगे बढ़ने से मना किया क्योंकि पहले ये आपकी पावर को नहीं पहचान पाए थे, पहले शायद ये आपकी बात का विश्वास नहीं करते थे, पहले शायद इनको साहस नहीं था, पहले शायद ये ओपन अप नहीं थे कहने की, इनकी हिम्मत जो कुछ भी सोचते थे और उनकी हिम्मत नहीं होती थी, या उनको विश्वास करने में तकलीफ थी कि आपके उनके साथ के रिलेशन में कभी कोई सक्सेस हो भी सकती है. इस अविश्वास की वजह से उन्होंने जो कुछ भी इमैच्योर बिहेवियर किया, जो कुछ भी उन्होंने अपने तक रखा, जिसकी वजह से आपके बीच में शायद सेपरेशन हो गया या दूरी हो गई, इस बात पर ये व्यक्ति इस वक्त दुखी है. व्हाट ही इज फीलिंग, ही इज फीलिंग हार्ट ब्रोकन. वो अपने आप को वो दुखी महसूस कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं. वो आपको अपनी पावर में देखकर अब आपकी और आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में फेथफुल रहना चाहते हैं, और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं. वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो आपके बारे में फील कर रहे हैं कि शायद अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, शायद अब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, शायद आपने अपने दरवाजे उनके ऊपर बंद कर लिए हैं, और इस बात को सोचकर ही इज हार्ट ब्रोकन. ये व्यक्ति इस वक्त आपके प्रति प्रेम से पूरी तरीके से भरे हुए हैं, ये अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये आपको बहुत हाई लाइट में देखते हैं, ये आपको बहुत सम्मान देते हैं, ये आपको बहुत हाई पोजीशन में देख रहे हैं, बहुत सम्मानजनक स्थिति में देख रहे हैं, और बहुत सम्मान के साथ ही आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और अब ये आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, ये आपकी इम्पोर्टेंस को समझकर आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रेम का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं. तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 1. वॉट आर हिज और हर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. सो नाउ द कार्ड नंबर 2. जिन्होंने कार्ड ग्रीन कार्ड चूज किया था, कार्ड नंबर 2 द ग्रीन कार्ड, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू, दे वांट टू चेज यू बिकॉज यू आर देयर ड्रीम कम ट्रू. आप उनका सपना है, आप उनका विशेष कम विशेष, आप उनकी विश हो, आपको वो चेज करना चाहते हैं, वो आपके पीछे आना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाया जा सकता है, इस रिलेशनशिप में क्या कुछ अब अचीव किया जा सकता है, इस रिलेशनशिप को किस तरीके से पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. इस विषय में ये व्यक्ति, आपके व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं. तो और चेक करते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं कि यू आर अ फ्री सोल, आप एक काफी फ्री सोल हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप लेजर टाइम बिता रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप काफी अबंडेंट हो, आप काफी खुश हो, और आप अपनी जिंदगी में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हो. आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में रिसोर्सेज हैं, और आप उनका इस्तेमाल अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो. आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे अचीवमेंट्स की ओर बढ़ रहे हो. ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इस वक्त डिफेंसिव मोड में हो, आप इस वक्त उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आप इस वक्त कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं हो. ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि इनको अगर आपके पास आना है, यदि इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, तो बहुत बैलेंस्ड वे में आपकी ओर आना होगा, ओपन कम्युनिकेशन के लिए तैयार होना होगा, और एक बहुत ही क्लियर रेस्पॉन्स
आपको देना शुरू करना होगा, तभी आपके साथ कम्युनिकेट किया जाना पॉसिबल है। ये व्यक्ति आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ही इज फीलिंग दैट यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने न्यू आइडियाज की वजह से अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ, दिस व्यक्ति, दिस पर्सन फील्स इंटीमेट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। ये व्यक्ति आपके आपके साथ इंटीमेट रिलेशंस बनाना चाहते हैं, पर ये व्यक्ति फील करते हैं कि शायद आप इनके प्रति उतना डीपली अब फील नहीं करते हो, इनको फियर है इंटीमेसी का। ऑफ कोर्स ही वांट्स टू बी इंटीमेट विद यू, ये आपके साथ, ही वांट्स टू मेक लव विद यू, या आपकी और कंपैशनेट लव की फीलिंग के साथ आना चाहते हैं, लेकिन शायद ये डर रहे हैं कि शायद आप ओपन अप होने के लिए तैयार हैं या नहीं है, आप इंटीमेट होने के लिए तैयार हैं या नहीं है, और इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को रोक लिया है इनकी तरफ जाने से, क्योंकि आप अपने अचीवमेंट्स पर, अपने करियर पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, इसलिए शायद आपका ध्यान इस वक्त इनके साथ के इंटीमेट रिलेशनशिप पर अब नहीं है। दिस व्यक्ति, दिस पर्सन इज फीलिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जीज टुवर्ड्स यू। चलो मैं अब चेक करती हूँ व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग टुवर्ड्स यू। ओके, दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दिस रिलेशनशिप इज एंडेड। ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, और इस रिलेशनशिप में, और वो ये सोच रहे हैं कि आपने अपने चारों ओर बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना ली हैं, शायद आप इन व्यक्ति को अब अपनी जिंदगी में एंटर नहीं करने देना चाहते हैं, और ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि आपकी ओर बढ़ने के लिए इनको बहुत ताकत लगाने की जरूरत होगी, बहुत बहुत बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत होगी, तभी ये आपकी ओर अब स्टेप अप कर सकते हैं। ये इस बात को समझते हैं कि आपकी ओर बढ़ने के लिए या आपके साथ होने के लिए इनको सरेंडर करना होगा, इनको इनको बिग पर्सपेक्टिव में, बड़े लेवल पर सोचना होगा, बिग कैनवास में सोचना होगा, यदि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहेंगे या ले जाना चाहते हैं, तो इनको अब अपनी थिंकिंग को, अपने सोच के दायरे को बड़ा करना होगा, क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना होगा, फेथ के साथ डिसीजन लेना होगा, बिग बोल्ड डिसीजन लेना होगा, तभी अब आप उनके साथ में किसी प्रकार का इंटीमेट रिलेशन रखना चाहेंगे, ऐसा ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में और क्या फील करते हैं, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग टुवर्ड्स यू। ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब आप काफी इमोशनली आप काफी बैलेंस्ड हो, और आप अपनी जर्नी पर, अपनी क्रिएटिविटी में या अपने करियर में आप काफी आगे निकल आए हो, आपने काफी तरक्की कर ली है, और इसलिए शायद अब आप उनके लिए वक्त निकालने को अब तैयार नहीं हो, या अब आपके पास उनको देने के लिए वक्त ही नहीं है। Yes, this person is feeling you in a very high light. ये आपको बहुत abundant, prosperous, stable, grounded, successful person के तौर पर देखते हैं, और अब इनको लगता है कि आपने अपने चारों ओर एक सरीन वातावरण, एक ऐसा वातावरण तैयार कर लिया है जिसके अंदर हरेक का एंटर करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि प्रीवियसली इनके बर्ताव की वजह से, इनके रूड बिहेव की वजह से, या इनके पूरा ऑफर ना करने की वजह से ये सारी सिचुएशंस बनी है, और ये इंसान अब भी आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक खुशहाल जीवन बिताना चाहते हैं आपके साथ, एक ब्यूटीफुल रिलेशन, एक ब्यूटीफुल होम लाइक लाइफ, एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ इनकी खुशी है, आपके साथ ये खुशी को फील करते हैं, आपके साथ बिताए हुए अच्छे समय को ये अभी भी याद करते हैं, और उसी अच्छे समय में अब ये फिर से जाना चाहते हैं। दीज आर द फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। लेट्स चेक
more. What this person is feeling for you. What this person is feeling for you. What this person is feeling for you. Oh. ये पर्सन ये सोचते हैं कि अब आपके पास में आपकी जिंदगी में आपने क्योंकि बहुत अचीवमेंट्स कर लिए हैं इसलिए आपके पास में इनके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग आपको इस वक्त लव ऑफर करने के लिए तैयार हैं बहुत सारे लोग इस वक्त आपकी ओर ऑफर्स लेकर बढ़ रहे हैं और आप इस वक्त बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको काफी क्लैरिटी है आपको अपने ऑप्शंस चुनना आता है आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना आता है क्योंकि आप मेंटली काफी बैलेंस्ड हो ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि प्रीवियसली इन्होंने शायद आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था प्रीवियसली इन्होंने अपना अनकंडीशनल लव या अपना कमिटमेंट आपको नहीं दिया था प्रीवियसली इन्होंने आपके साथ में कुछ हार्श बिहेव किया था जिसकी माफी भी इन्होंने कभी आपसे नहीं मांगी थी और अब ये बात इस बात को जानते हैं कि अब जिस पोजिशन में आप हो उस पोजिशन में अब आप इस तरह के बर्ताव को जो इन्होंने पहले आपके साथ किया था उस बर्ताव को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और इसीलिए ये व्यक्ति मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं और क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपके साथ आगे बढ़ा जाए आपके साथ यदि आगे बढ़ा जाए यदि आपके साथ पॉजिटिव किसी तरह का पैचअप हो सके तो वो अब किस तरीके से हो सकेगा इस क्लैरिटी के बारे में ये व्यक्ति विचार कर रहे हैं What this person is feeling towards you? What this person is feeling towards you? What this person is feeling? Okay, ये व्यक्ति इस वक्त बहुत टेंशन में है डिप्रेशन में है परेशान है आपके आपको इस तरह की हाईलाइट में देखकर और अपनी गलतियों का एहसास करके ये व्यक्ति इस वक्त परेशान है ये शायद चाहते हैं कि आप ये जाने कि इनको कि इनको परेशानी हो रही है कि इनको ट्रबल हो रही है कि आपसे अलग होकर इनकी जो स्थिति इस बारे में आप जाने ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ पुरानी झगड़ों को छोड़कर आप उनकी तरफ पहल करें आप उनकी तरफ बढ़ें ताकि वो इस नेगेटिव एनर्जी में से वो इस सैडनेस में से बाहर निकल सके वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पर आपने जो गार्ड्स अप किए हैं आपने जो दूरियां मेंटेन करी हैं आप उनको रिलीज करें और आप उनकी तरफ बढ़ें और आप इस फेल रिलेशनशिप को आप फिर से शुरुआत करें ये इस व्यक्ति के आपके बारे में विचार है तो ये थी हमारा कार्ड नंबर 2 तो अब देखते हैं कार्ड नंबर 3 जिन्होंने ऑरेंज कार्ड सेलेक्ट किया था व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू ये व्यक्ति आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपके बारे में फील कर रहे हैं कि आप इस वक्त जॉयफुल हो आप जॉय के एक्सपीरियंस ले रहे हो और आप आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको शायद आपकी फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है या आपको अपना फाइनेंसेस में कहीं से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है या आपको कहीं हायर पावर्स की ओर से किसी पावरफुल पोजीशन पर आप या तो हो या किसी पावरफुल व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिल रहा है आपको प्यार आपको लव मिल रहा है और आप इस वक्त काफी सेरीन काफी खुश और काफी काम काफी पीसफुल काफी शांत एनर्जीज में हो आप अपनी जिंदगी में खुश हो आप अपनी जिंदगी में ठीक हो ऐसा ये व्यक्ति सोच रहा है ऐसा होना या ना होना जरूरी नहीं है पर जिस तरीके से ये व्यक्ति आपको देखता है उससे ये इस कार्ड से पता चलता है कि ये व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी में काफी ठीक कंडीशन में हो आप काम हो आप कूल हो आप खुश हो आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप अपनी जिंदगी में काफी जॉय काफी गुड टाइम्स को आप इंजॉय कर रहे हो तो लेट्स चेक व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू इस व्यक्ति के आपके बारे में क्या फीलिंग्स है व्हाट दिस पर्सन फील्स तो इस व्यक्ति की आपके बारे में ये फीलिंग्स है कि
आप इस वक्त मोमेंट टू मोमेंट जीना सीख चुके हो, आप वर्तमान में जीना सीख चुके हो, आप अपने पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज में से बाहर निकल चुके हो, आप फ्यूचर के लिए पॉजिटिव हो चुके हो, और आप अपनी जिंदगी में जो खूबसूरत बदलाव आपको लाने की जरूरत थी उन बदलावों पर आप काम कर रहे हो। आपका एटीट्यूड काफी पॉजिटिव है और आपने अपने आप को जिंदगी के खूबसूरत पहलू की ओर फ्लो अपने फ्लो में डाल दिया, यानी अब आप नेगेटिविटी के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर रखे हो, आपने पॉजिटिविटी के साथ अपना नाता जोड़ लिया है। ऐसा ही व्यक्ति आपके बारे में फील कर रहे हैं, ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि आपने अपने फियर्स को सरेंडर कर दिया है, आपने अपने डरों को जीत लिया है, आप जिंदगी की लड़ाई में फियरलेसली लड़ रहे हो, बिना डर के लड़ रहे हो, करेज के साथ साहस के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो कुछ भी आपके सामने जिंदगी में आ रहा है आप उसको बहुत साहस के साथ फाइट कर रहे हो, आप फोकस्ड हो, आप सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हो, आप प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, और आप छोटे 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 कदम बढ़ाकर आगे जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, जो कुछ आपको मिल रहा है उसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ये व्यक्ति ये भी फील कर रहा है कि आपने ग्रेटिट्यूड में जीना सीख लिया है, आप दूसरों को सर्व करते हो, दूसरों की सर्विस आपको मिल रही है, और आपके दूसरे लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं, आपके सपोर्टिव टीम बढ़ रही है, आपको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, और इस बात से इस व्यक्ति का ईगो हर्ट हो रहा है। इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी को डिपेंडेंसी में से बाहर निकल गए हो, आप अब इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं हो, और ये व्यक्ति इस बात से हर्ट फील हो रहा है। लेट्स चेक मोर, what this person is feeling towards you, what this person is feeling towards you, what this person is feeling towards you. Yes, इस व्यक्ति की ये फीलिंग्स हैं कि इस वक्त आपने उनको अपनी जिंदगी से आउट कर रखा है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, या आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी से आउट कर दिया है जो पहले आपकी जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट थे, जो पहले आपकी जिंदगी में काफी इंटेंसिटी के साथ जुड़े हुए थे, उन बहुत सारे लोगों को इस वक्त आपने भी जिंदगी से बाहर कर दिया, ये इस व्यक्ति को फील हो रहा है। यस, इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको एक कार्मिक बर्डन समझकर अपनी जिंदगी से आउट कर दिया है। इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने बहुत सारे कर्मास के ऊपर रिलैक्स पाया है, आपने अपने कर्मास को पर्ज किया है, और आपके साथ उनके जो कार्मिक बॉन्ड थे, आपके उनके साथ में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जो कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो गया है, और ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप की डेथ को फील कर रहा है। अपने आप को आपसे दूर पड़ा हुआ, आपसे दूर खींचा हुआ महसूस कर रहा है। लेट्स चेक मोर, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर। ये व्यक्ति इस वक्त असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि ये व्यक्ति अशांत है, ये व्यक्ति अशांत है और ये असमंजस की स्थिति में है। एंड ही इज कंटिन्यूअसली स्टॉकिंग टूवर्ड्स टू यू, ये आपकी स्थिति को, जो कुछ भी आप चेंजेस ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पर, मे बी फोन पर, ये आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और इस बारे में जानकर कि इनके ना होने का आपकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा, इस बात से ये और अधिक इम्बैलेंस हो रहे हैं और अधिक असमंजस की स्थिति में है, और अब शायद वो इस बात पर काम कर, वो जिस जिन थर्ड पार्टीज को पहले एंटरटेन करा किया करते थे पहले, अब उन थर्ड पार्टीज में उनको आनंद नहीं आ रहा, उन थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करके उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है। शायद इनकी बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी इनको छोड़ कर जा चुकी है, या ये इन थर्ड पार्टी से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अब ये आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, कि आपके साथ ही अपने रिलेशन पर काम करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक टीम बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। यस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति इस वक्त में रेस्ट एंड रिजुविनेशन, इन्होंने थर्ड
थर्ड पार्टी से ब्रेक लिया है, इन्होंने दूसरे रिलेशनशिप्स को ब्रेक दिया है, यदि ये कहीं और इन्वॉल्व थे तो इन्होंने उन दूसरे इन्वॉल्वमेंट्स पर ब्रेक ले लिया है, इन्होंने दूसरे लोगों से दूरी मेंटेन कर ली है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर इनको शांति नहीं मिल रही थी, जहां जहां इनको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे थे, वहां पर से इन्होंने दूरी मेंटेन करी है। शायद इन्होंने खुद को बैलेंस में लाने के लिए और अपने असमंजस से बाहर निकलने के लिए, अपने इमोशनल साइड को बैलेंस में लाने के लिए कुछ ना कुछ तरह का एनर्जी वर्क करना, मेडिटेशन करना शुरू किया है, खुद पर काम करना शुरू किया है। ओ वाओ, ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये व्यक्ति चाहते हैं कि इस आपके साथ इस कार्मिक साइकिल को जो इस वक्त चला था, जिसमें ये सारा तरह का चेंजेस हुए थे, ये कार्मिक साइकिल अब खत्म हो जाए, किसी तरीके से विश फुलफिलमेंट, वो फिर से आपके साथ एक अच्छा समय बिताने के बारे में सोच रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ट्स, दैट इज 11 11 कार्ड। ये व्यक्ति आपके साथ अपने डीप सोल कनेक्शन को फील करना शुरू कर चुके हैं, ये व्यक्ति इस बात को फील करते हैं कि आप उनके विशेष फुलफिलमेंट हो, ये व्यक्ति आपके साथ एक नई साइकिल बिगिन करना चाहते हैं, और ये व्यक्ति किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी लाने का डिसीजन ले रहे हैं, लेना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में किसी तरह का कोई स्टेबल न्यू बिगिनिंग हो जाए, नई फाउंडेशन बन जाए, इस विषय में ये डिसीजन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। व्हाट ही इज फीलिंग अबाउट यू, व्हाट ही इज फीलिंग अबाउट, ओके, यस, this person sees you in a very high light, this person sees that you are a very very balanced person, this person sees you in a very high esteem, ye aapki respect karte hain, ye aapko bahut high light mein dekhte hain, ye aapka regard aur respect karte hain, aur ye aapko barabari ka adhikar dena chahte hain, ye aapke sath apne toote hue connection ko re-establish karna chahte hain, aur ye aapko वो अधिकार, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सपोर्ट देना चाहते हैं जो ये पहले आपको नहीं दे पाए थे। तो अब ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इस बार पैशनेट न्यू बिगिनिंग की जाए, एक नई बिगिनिंग की जाए, और इस बार आपको इनका बहुत अधिक कभी वेट ना करना पड़े, और अब ये भी फील कर रहे हैं कि अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में, आप हील हो चुके हैं, आप पास्ट से बाहर निकल चुके हैं, आप अपनी पावर में एंटर कर चुके हैं, और इसीलिए ये आपके आपके पास एक एक स्टेबल ऑफर लेकर, एक कमिटेड ऑफर लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ये इस चीज को समझते हैं, ये पेन में है, ये इस चीज को समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जो भी पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, वो न्याय था, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी पहले किया था उसके होने का नतीजा यही होने वाला था, इस तरह की पेनफुल एंडिंग्स ही होने वाली थी, लेकिन अब इन एंडिंग्स के बावजूद ये आपके रिश्ते में, अपने रिश्ते में एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दैट वॉज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 3। होप यू लाइक इट। I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye.